इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से सामने आई है, जहां श्रावस्ती में बीते दिनों इकोना थाना क्षेत्र अंतर्गत जयचंदपुर कटघरा गांव में गोलीकांड घटना हुई थी, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी थी, जिनमें से 1 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 1 लोग जिनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही थी, जो लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती थी, उनकी भी मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक, आपको बता दें कि श्रावस्ती जनपद के इकोना थाना क्षेत्र अंतर्गत जयचंदपुर कटघरा गांव निवासी सुखदेव तिवारी, जिनको बीते कई दिन पहले गोली लगी थी और गोली लगने के बाद ग्रामीणों व पुलिस की सहायता से CSC इकोना में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने हालत को नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रिफ़र किया गया था, जिसके बाद वहां भी हालत में कोई सुधार न देखते हुए डॉक्टरों ने ट्रामा सेंटर लखनऊ रिफ़र कर दिया गया था, जिसके बाद कल सुखदेव तिवारी की भी मौत हो गई। जैसे ही गांव में उनका शव पहुंचा, गांव में सन्नाटा पसर गया। पूरे गांव के और आसपास के नाते रिश्तेदार व क्षेत्र के लोग काफ़ी संख्या में सुखदेव तिवारी के घर पहुंचे, जहां पर सबकी आंखें नम थी। लोगों ने नम आंखों से किसी तरीके से सुखदेव तिवारी को अंतिम विदाई दी। वहीं आपको बता दें कि जयचंदपुर कटघरा गांव में इस समय भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है। पुलिस ने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। वही आपको बता दें कि जिन लोगों ने गोली चलाई थी, उनमें से 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनको जेल भी भेज दिया है। पुलिस ने संगीन धाराओं में मामला को दर्ज करते हुए 12 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद सभी लोगों को जेल भेज दिया है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को लगाया गया है।